तो आंखें बंद करके हमेशा की तरह शांति में बैठ जाए। अनायास ही माँ की याद हुई, भद्रकाली महाकाली काली माता की याद, नाम सिमरन बड़ा शुभ संकल्प। जब भी माँ की याद हो, द बेस्ट ऑफ द मोमेंट्स रिमेम्बरिंग माई मदर, द सोर्स ऑफ ऑल गुड, सारी अच्छाई का, सारी शक्ति का स्रोत। May that mother bless us all, protect us all, which she always does. May we always remember that she does. So, sarva mangala mangalye shive sarvartha sadhike sharanye trayambake gauri narayani namostute. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तुभ्यं नमो नमः। सभी माताओं को प्रणाम, सभी शक्ति स्रोतों को प्रणाम। सर्व मंगल मांगल्य, तो शक्ति की अच्छाई की याद कर, रिमेम्बरिंग द गुडनेस एंड द एनर्जी, अब्सॉर्बिंग इन इट, बास्किंग इन इट, डूब जाए जो हमारे चारों ओर अच्छाई है, सात्विकता है, साध संगत है, सूर्य प्रकाश है, स्वच्छ शुद्ध हवा, सुंदर निर्मल जल, पवित्र भूमि, हमारे भीतर और बाहर जो तेज है, सबके आभार व्यक्त करते हुए, All the unknown forces that are keeping us together. So many forces at play, just to keep me together, just to hold me together. I wasn't even aware of it. Om Pranaya Swaha, Apanaya Swaha, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्राह्मणे स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पांच प्रकार के वायु, मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड माय बॉडी एंड इन एवरी ब्लड वेसल एंड इन एवरी सेल, सो आई कैन स्टे इंटैक्ट, So I can remain together, so I can be as I am. कितनी और कैसी कृतज्ञता व्यक्त करें इस अनसीन अदृष्ट शक्ति की। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवान कृष्ण कहते गीता छठे अध्याय 30वें श्लोक में, 30। जो अपने चहुं ओर सब में मुझको देख पाता है, अर्थात समझ पाता है, हाउ इज इट दैट आई एम इन ऑल एंड ऑल इन मी, तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, Then I am not hidden from him, nor is he invisible to me. विचारों को तीक्ष्ण कर, दृष्टि को सूक्ष्म बनाकर, कुशाग्र बुद्धि से
जो अपने आप को शरीर भी मान बैठे तो सोचे कि इस शरीर को इकट्ठा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कितने कितने कैसे कैसे प्रयास हर क्षण चल रहे प्रकृति के। हाउ मच मदर इज प्रोटेक्टिंग मी, लुकिंग आउट फॉर मी, इवन इफ आई थिंक आई एम द बॉडी। देन वॉट टू से of more than the body। So taking the time in the new year to be thoughtful, to be grateful, to be intentional, to be purposeful, mindful, to become full, never empty। कबीरा इह जग आय के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वो ही सोए निश्चिंत, वो ही गए निश्चिंत। संत कबीर जी कहते हैं इस जग में आकर सभी ने बहुत बहुत मीत किए, प्रियतम किए, लाइक्स, थम्स अप, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक हिम, आई लाइक हर, लाइक लाइक लाइक, बहुत से कीने मीत। किंतु जिन दिल बांधा एक से, उन सब लाइक्स और डिसलाइक्स के पीछे जो है पर्दे के पीछे का कलाकार, उसको जिसने जान लिया और एक बार थम्स अप कर दिया, लाइक कर दिया, जिन दिल बांधा एक से वो हो गए निश्चिंत, फिर कोई चिंता न रही, निश्चिंत जीवन, निश्चिंत नारायण। अन्यथा जहां लाइक वहां डिसलाइक, कबीरा इह जग आय के बहुत से कीने मीत, अनन्यश्चिंतयंतो माम ये जना परि उपासते। वही भगवान उसी गीता में नौवे अध्याय में कहते हैं राज विद्या राज गुह्य योग, द मिस्ट्री ऑफ ऑल मिस्ट्रीज, इन दिस चैप्टर द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, द डीपेस्ट गूढ़ रहस्य, राज विद्या राज गुह्य, द किंग ऑफ ऑल मिस्ट्रीज। उनमें से एक श्लोक में अनन्य, नॉट मैनी, सिंगुलर, अन्य अन्य नहीं, अन अन्य, नॉट मैनी बट वन, अनन्यश्चिंतयंतो माम, जो अनन्य का चिंतन करता है, अन्य अन्य में चिंता नहीं करता, अन्य अन्य की चिंता छोड़ अन अन्य का चिंतन करता है, माम भगवान कहते मुझे, द वन हु रिमेंबर्स मी, थिंक्स ऑफ मी, अब्सॉर्ब्स इन मी, द वन इन ऑल द अदर मैनी, ये जना परि उपासते, दोज हु वर्शिप मी लाइक दैट, सीइंग मी द ओनली वन इन ऑल द अदर मैनी, तेषां नित्य अभियुक्तानां, दोज हु आर दस एस्टैब्लिश्ड, फेथफुली एस्टैब्लिश्ड, फर्मली ग्राउंडेड इन मी, योगक्षेमं वहाम्यहम्, I bring to them what they lack and I preserve what they have and need। फिर उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी अगर वो चिंतन में लग गए, या तो अन्य अथवा अनन्य,
या तो चिंता अथवा चिंतन। जहां अन्य वहां चिंता, जहां अनन्य वहां चिंतन। चिंता है क्योंकि अन्य 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 है। अगर चिंतन हो अनन्य का तो फिर चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछुन चाहिए वो शाहन के शाह। तो उस अनन्य भगवान वासुदेव श्री कृष्ण प्रामाणिकता से चिंतन करते हुए, सौम्यता दर्शाते हुए, आर्जव पूर्ण इन सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, रिमेम्बरिंग द लवर, द बिलवड, द लॉर्ड ऑफ लव, उस एक से दिल बांधेंगे। फिर हो जाए निश्चिंत, कबीरा यह जग आय के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वो हुए निश्चिंत। तो शांत होकर अपने आप का धन्यवाद करते हुए, सौभाग्य की सराहना, ईश्वर की प्रशंसा, फीलिंग गुड अबाउट गुडनेस, सेटिंग असाइड ऑल स्ट्रेस, unencumbered, unleashed, unchained, mukta jivan, nitya tripta, nitya mukta, sadaiva krishna sharanagata. To chale aaj ek aur kadam rakhe nitya tripti ki or, नित्य मुक्ति की ओर, ईश्वर शरणागति की ओर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हम है वैसे दूसरे अध्याय में, किंतु लास्ट टाइम अनु मोहिनी भी थी ना लास्ट टाइम, तो वी वर टॉकिंग 18 चैप्टर का एक भाग आया था, उस पर वी जस्ट टेक दैट अप सो दैट बात आधी ना रह जाए। व्हेन इन द सेकंड चैप्टर व्हेन वी वर डिस्कसिंग कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्तु अकर्मणि, उस समय मैंने कहा था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक्स इन द गीता, है ना, लाइक अक्रॉस द बोर्ड पीपल थिंक ऑफ अधिकार एज राइट, है ना, और फिर उसमें फिसल जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन, ऐसे कैसे हो सकता है कि कर्म मैं करूँ, मेरा उसमें अधिकार कैसे नहीं, फिर किसका अधिकार है, है ना। तो वास्तव में अधिकार शब्द का अर्थ होता है कंट्रोल, डोमेन, यू हैव कंट्रोल और वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और नॉट, है ना। हम लोग कह सकते हैं नहीं करना है, जाओ, नहीं देना है, किसी को दान नहीं देना है, इधर नहीं जा, पार्टी को नहीं जाना है, कॉलेज में नहीं, बच्चे के पीछे नहीं पढ़ना है, या करना है, उस पर तो कंट्रोल है, हम कह सकते हैं करना है, नहीं करना है, इंडिया जाना है, उसके बाद क्या होगा, करने के बाद क्या होगा, अथवा न करने के बाद क्या होगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, है ना। तो अधिकार किसके अधिकार में आता है, ये अधिकारी शब्द कहते हैं ना कि ये वित्त अधिकारी है, ये किस और किसी बात के अधिकारी है, तो इट इज़ इन देयर डोमेन, डू यू फॉलो, लाइक इट इज़ इन देयर कंट्रोल, दे
they have to approve it, they have to authorize it, because this is in the domain of that minister. ऐसा नहीं कि वित्त अधिकारी है, मतलब उसका सारा अधिकार है उस वित्त पर. इन्हें तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर अर्थ मंत्री जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑल्दो ऐसे होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का अधिकार को अगर हम करें कि उसका राइट है, अधिकार का मतलब हक है, तो वो तो कहेगा सारा अधिकार, अब सारा पैसा मेरा हो गया देश का क्योंकि मैं अधिकारी हो गया. ऐसा नहीं होता, उसके कंट्रोल में है फाइनेंसेस, राइट, उसके अधिकार में. सो दिस इज द रीजन आई एम कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इज बिकॉज अगेन इट्स कॉजेस अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. मतलब कंट्रोल मींस कि उसका आम मुख्तारी दिया हुआ है, मतलब यू आर अपॉइंटेड, यस, इट डजंट मीन दैट यू ओन इट, राइट, राइट. सो मिनिस्टर डजंट ओन द वेल्थ ऑफ द कंट्री. मिनिस्टर जैसे कोई फ्रेडी मैक में काम कर रहा है, या तो लाइक आई सेड मिनिस्टर लोग ऐसा सोच सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, बच्चों को भी समझाते हुए अपने लिए भी, अधिकार इज इन द सेंस ऑफ कंट्रोल, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ इट. उसका फिर एक्सटेंशन हो गया कि अधिकार मतलब मेरा राइट करके. तो व्हाइल वी वर डिस्कसिंग दैट आई हैड ब्रॉट अप कि वैसे भी देर आर फाइव फैक्टर्स दैट कॉन्स्टेंटली एक्ट ऑन एनीथिंग, जो भी हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ये भगवान का कहना है इसलिए हमें मानना पड़ेगा, है ना. जो भी हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है अथवा हम कर रहे हैं, इसमें देर आर पांच हेतु है, उसमें के पांच एस्पेक्ट्स एक्ट करते, फाइव फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. वी द डूअर, करता इज ओनली वन ऑफ द फाइव. सो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर हमने फ्लॉलेसली किया, परफेक्टली किया, एग्जैक्टली जैसे करना चाहिए, तो मैक्सिमम वी कैन क्लेम, वी कैन थिंक मे बी 20% चांस है सक्सेस का मैक्सिमम. इफ इट इज डन वेरी परफेक्टली, देन वी कैन इमेजिन कि ओके मे बी 20% चांस दैट दिस विल सक्सीड. वाई 20%? बिकॉज वन ऑफ फाइव, डिवाइडिंग 100 इंटू फाइव पोर्शंस. सो देन आई थिंक यू वुड आस्क व्हाट आर द अदर फोर, एंड सजेस्ट कि 18th चैप्टर में डिटेल में भी उसका समय लगेगा, इसलिए 18th चैप्टर में इट स्टार्ट्स विद, वैसे 13 से शुरू हो जाते हैं, 13th श्लोक से शुरू हो जाता है, बट यहाँ पर कहा पढ़ के सुनाता हूँ. अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम. And this is the fifth one, is what that means. So, इसका हिंदी में इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में, जो भी कार्य करे, whether or not it will succeed, सिद्धि है ना, whether or not it will come to fruition, it will fulfill. अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है. So, these are the five aspects, जैसे अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव. सो दिस 18th चैप्टर इज वेरी लोडेड एंड इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये व्हेन वी रीड इट वी जस्ट गो पास्ट इट, बिकॉज इतना दिमाग में घुसता नहीं है और ऐसा लगता है शायद ये इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा, कि अगर इम्पोर्टेंट होता तो समझता था, ईजियर रहता था, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना. सो मैंने पर्टिकुलरली रोट चीज़ों में जो चेष्टा है वो हमारे हाथ में है, करता हम है, इज हम करता है. एंड सो अधिष्ठान, अधिष्ठान इज द बेसिस, द फंडामेंटल लॉज, एंड मे बी आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट दैट मींस, है ना. एक तो अधिष्ठान है, अधिष्ठान इज द बेसिक प्रिंसिपल, द फंडामेंटल, जैसे ग्रेविटी के, जैसे सपोज किसी वजनी वस्तु, रेफ्रिजरेटर को नीचे ले जाना हो सपोज, है ना, यहाँ से किचन का नीचे बेसमेंट में ले जाना हो, तो वी विल मेक यूज ऑफ ग्रेविटी. फॉर एग्जाम्पल, इट इज मे बी ईजियर टू टेक इट डाउन then take it up, because uska adhishtan jo we are going to pay attention to, uska adhishtan gravity hai. And if we are smart, if we align with the purpose, with the basic principle, the fundamental force, agar alignment ho, athwa yadi agar physical karya ho to aisa keh sakte hai, but if it's a mental karya, sochne ka athwa intentional ka, koi plan ban, planning kar raha hai, dimag mein planning chal raha hai, meeting ka planning ho, visit, vacation ka planning ho, usme to kuch किसी उठाना नहीं है, तो उसके पीछे पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, है ना, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग. इफ इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज द फंडामेंटल स्टाइल, अधिष्ठान, व्हाट इज इट ग्राउंडेड इन, दैट्स व्हाट इट मींस. व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन विच व्हाटएवर यू आर अबाउट टू डू, व्हाटएवर दैट एक्ट इज, हु आर यू डूइंग, व्हाट इज इट ग्राउंडेड इन, दैट्स अधिष्ठान. तो जो प्लानिंग कर रहे हैं उसका अधिष्ठान क्या है, तो व्हाट इज आवर पर्पस बिहाइंड दैट, व्हाट इज द इंटेंशन, इंटेंशनैलिटी. जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनाने का प्लानिंग कोई आर्किटेक्ट कर रहा है, तो उसका अधिष्ठान हुआ कि वो बिल्डिंग अच्छा से बन जाए.
Whatever the purpose, I wouldn't get into that, right? So, so you and I'd encourage you to think about it. Usme, that would be complex because there's structural engineering involved in it also. There are there's physical metals and gravity and all of that. So Adhishtan again is the grounding principle. What is the main purpose? What is the main principle that we will use? Karta is the doer. So principle mein achha ho sakta hai, bura ho sakta hai, clear ho sakta hai, unclear ho sakta hai, against ho sakta hai, gravity ko lekar ke niche jana hai ki gravity ke against upar jana hai, athwa rakh rahe hai garmi, gaadi mein kabhi kabhi galti se hum log heater chala dete hai na, we want to AC ke badle heater chalne lag jata hai garmi ke dinon mein, athwa abhi bahar ja rahe hai aur AC ki button on dhyan hi nahi tha aur thandi hawa aa rahi hai when I wanted to turn the heater on. So paying attention to the fundamental law, karta is hum, like whoever is the doer. How skilled is the doer? How talented is the doer? How knowledgeable is the doer? And how committed is the doer? How sacrificing or how disciplined is the doer or not? Na? Suppose karta hai, to uske paas skills hi nahi hai koi, kuch ko karya karne ke. Gravity to niche jayegi, lekin dimag nahi use kar raha apna. Athwa taakat nahi laga raha. अथवा लेजी है, ध्यान नहीं दे रहे, डिस्ट्रैक्टेड है, तो कर्ता पर भी डिपेंड करता है. ग्रेविटी तो अपना अधिष्ठान तो अपना काम कर देगी, लेकिन कर्ता हैज़ टू पे अटेंशन, हैज़ टू बी गुड आल्सो. अथवा कर्ता है भी, लेकिन अगर फंडामेंटली अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, बड़ा पहलवान आदमी भी हो लेकिन नीचे ले जाने से के बदले अगर ऊपर ले जाना उसको, तो उसकी ताकत भी काम नहीं आएगी, शायद और कुछ लगेगा, है ना. So, and I'll go very briefly because this is the 18th chapter, but still to show you that those five are mentioned and that why is it that we really don't have control over it. So, karta ata, so adhishthanam karta karanam is the equipment, apparatus, the tools that we use. And a screwdriver, se chota sa screw palatane aur hathodi se agar kaam lene ka prayas kiya, to thok thok ke tod denge, lekin us screw nahi tight hoga na khulega bhi. Us sara ka sara tod to sakenge, lekin necessarily screw nahi khulega jaise. Well, that's one example. A doctor ki apni choti barik kaichi ke badle hajam ki kaichi agar use kare kaatne ke liye, athwa hai na wo sau sonar ki ek lohar ki kehte hai hathoda, sonar ke apne lohar ki hathodi de de to hai na chaknachur ho jaye, athwa lohar ko de de ki ye choti si hathodi lekar ki koile kaat to din bhar matha pachi karega to ek koila nahi tutega. And there are 100,000 such examples. What kind of spacecraft are you sending, what kind of a lab it is, what kind of an office equipment. बड़े बुद्धिमान प्रोग्रामर थे लेकिन कंप्यूटर में बैंडविड्थ ही नहीं है, अथवा मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, इंटरनेट सब है लेकिन वाईफाई नहीं है, कनेक्शन नहीं है. वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द टूल्स, डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट आल्सो. सो यू मे बी अ सुपर प्रोग्रामर बट यू अलोन डू नॉट कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम. यू डिपेंड ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, द एनवायरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? So that's why adhishtanam tatha karta karanam cha prutak vidam cheshta aati hai. Cheshta is jo aap keh rahe the process. How well is it executed? Are you following the process? Is there a process? Have you thought about that? Is it well defined? Is it consistent? Na? Is the execution of it flawless? Aur kaise half hearted, thoda kiya thoda nahi kiya, beech mein chhod diya fir se aa gaya. टैलेंटेड तो है लेकिन अगर ध्यान दे के नहीं, प्रोसेस बराबर फॉलो नहीं कर रहे तो. सो इज इट एक्यूरेटली बीइंग कंसिस्टेंटली फॉलोड. सो चेष्टा इज द फोर्थ. और पांचवा दैव कहा है, विच इज दिस द अननोन फोर्सेस. जैसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी आप पढ़ोगी तो अभी भी अमेरिका में भी सभी एक्ट ऑफ गॉड कोर्ट्स में होता है कि ऑल ऑफ दिस इज फाइन सो लॉन्ग एज, आई मीन द एक्सेप्शंस आर एक्ट्स ऑफ गॉड. लॉयर्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, इंजीनियर्स भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं. In any legal contract, there is so-called act of God. Ki, I don't know if something else, something bizarre, something कुछ एकदम strange कुछ अगर हो जाए, जो we don't know, है ना, तूफान tornado आ गया, ये एक महीना पहले कहीं पता नहीं था कहाँ से आया, कहाँ क्यों आया पता नहीं, लेकिन सारी building सब अच्छी बनाई थी, करता भी first class था, architect भी, intention भी अच्छा था कुछ बनाना था, लेकिन आधे में ही tornado आके उसको फिर से बिगाड़ दिया. तो that's something that we don't control, we neither know. We can plan, just tsunami aa gaya, or everything worked out but other people had other intention. Team members, right? If you're working as a team, you wanted to do something, team mein hote hain na jhagde, oh they want something else and they never tell you, and the last minute you find out and then the whole project is derailed, hai na. So that's something that you did not know, you were not aware of. So this daiva is something which is the momentum of the past.
जो पहले से गाड़ी किसी की चली आ रही है, किसी के दिमाग में कुछ है, अथवा हमारे नसीब जिसे कहते हैं हम, द पास्ट मोमेंटम, वी कैन ट्राई ऑल वी वांट इन द करंट मोमेंट, लेकिन वी कैन नॉट गारंटी बिकॉज वी डोंट नो पास्ट मोमेंटम कैसा है, कि ये गाड़ी जा रही किस दिशा में, थोड़ा धक्का दे सकते हैं हम, लेकिन उसकी पूरी नहीं दे रहे। तो ये पांच बातें हैं, अधिष्ठान है, कर्ता है, अधिष्ठान अगेन इज द बेसिस द फाउंडेशन, कर्ता इज द डूअर, और हमारे दिमाग में खाली द डूअर इज द ओनली पर्सन, वी आर द डूअर्स एंड वी थिंक ओ आई डिड दिस, आई गेव इट माय ऑल, आई वाज कमिटेड, आई वर्क हार्ड, आई स्टेड अप, आई पुट सो मच मनी इन इट, हाउ कम आई डोंट हैव राइट ऑन इट, हाउ कम इट डिडंट हैपन द वे आई वांटेड, आई डिड एवरीथिंग आई कुड डू। नो यू डिडंट, यू डिड एवरीथिंग यू कुड डू अप टू 20%, 80% यू वरंट इवन अवेयर ऑफ, है ना, पता भी नहीं था, सोच भी नहीं रहे थे, चार अंश जो उसके बाकी थे उसके विषय में, और बड़े ढिंडोरे पिटरे के बहुत किया, सब किया, होना ही चाहिए, मेरा हक है, मिलना चाहिए, मेरे अधिकार में, ये बात 20% खाली बात करके, अगर कोई ग्रेड किसी को स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में 20% ग्रेड लेके आ जाए बच्चा, तो उसके हार डालेंगे फूलों का कि वाह यू गॉट 20% परफेक्ट माई सन, दिस इज ग्रेट, है ना, और वो उसकी ओर से सोचे कहते हैं दिस वॉज माई बेस्ट, दिस वॉज माई परफेक्ट, लेकिन 20% डजंट डू एनीथिंग, 20% इज वर्थलेस, नोबडी केयर्स फॉर 20%। ऐसे ही एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, दैट एनीवन इज डूइंग, भगवान कहते आगे चल के, वो अर्जुन कह रहा है ना कि मैं मारना नहीं इनको, युद्ध नहीं करना है, भीख मांग के जी लूंगा, वो कहते कि अभी तो इतना मिजरेबल हो रहा है बिकॉज यू थिंक एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, तू अगर फाइट करेगा, युद्ध करेगा तो ये लोग मरेंगे, फिर अच्छा होगा, तू युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग बच जाएंगे, ये तो बुद्धूपना है, बुद्धिमानी नहीं है, है ना, बिकॉज यू हैव यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल अदर फोर, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड, ये जो धर्म युद्ध है, धर्म इज द अधिष्ठान इस युद्ध का, राइट, सो यू एक्चुअली आई वाज अबाउट टू आस्क, जो कौरव थे वो उनका अधिष्ठान जो था वो धर्म से अधर्म था, अधर्म था, दैट्स राइट, और पांडवों का धर्म के साथ था, तो होना ही नहीं था उनकी उनकी जीत, क्योंकि अधिष्ठान सपोर्ट नहीं कर रहा था, इट्स इम्पॉसिबल, जैसे लॉ है कि सत्य में विजय थे, या क्यों कैसे उस रेफ्रिजरेटर को मैंने बेसमेंट से ऊपर ला भी लिया अगेंस्ट ग्रेविटी, ताकत लगा के, वो जब तक मैं पकड़ के रखूंगा तब तक वो रखेगा, जैसे छोड़ दिया फिर से नीचे तुरंत नेक्स्ट मोमेंट, उसका अधिष्ठान ग्रेविटी है तो नीचे फ्लोर है तो उस पर ही रहेगा वो, है ना, सो उसका जिस अधिष्ठान से सारी अच्छाई का इस सृष्टि का क्रिएशन का अधिष्ठान धर्म है, धर्म और सत्य की चीज, या डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट न्यूएंसेस ऑफ, राइट, या यस, बट द आंसर इज यस, एक ही चीज, एज इन नॉट आई वुडंट से कि धर्म कहे या सत्य कहे, यू टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, यू आर डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग डिफरेंटली इज व्हाट आई वुड से, फंडामेंटली एक ही है, अगर डीप जाएंगे तो वेरिएशन है, और मैंने कई दो तीन बार यहाँ पर कही है कि यह तो धर्म बात आती है, तत्व कृष्ण ऐसा शास्त्र में लिखा है, और यह तो कृष्ण तत्व जाए कि जहाँ धर्म अंत में जीत धर्म की होगी, बिकॉज गुडनेस हैज टू प्रिवेल, गुडनेस की वजह से ही ये सृष्टि संसार जो पकड़ के रखा गया है ना, जब अच्छाई नहीं रहेगी, अच्छाई कम होगी, बुराई ज़्यादा होगी, तब सृष्टि का भ्रंश नष्ट होना शुरू हो जाएगा, सो द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज हेल्ड टुगेदर स्टिल मीन्स देयर इज स्टिल मोर गुडनेस, सो वी शुड फोकस ऑन दैट, देयर इज स्टिल मोर गुडनेस, इतने इतने मायूस न हो जाए, डिप्रेस न हो जाए, ये क्या हो रहा है, कैसा संसार हो रहा है, सब बिगड़ रहा है, ऐसा नहीं है, सब नहीं बिगड़ रहा है, ज़्यादा लोग बिगड़ रहे ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा लोग अभी भी सुधरे हुए ही है, वी जस्ट डोंट नो, वी डोंट हियर अबाउट दोज, है ना, वी डोंट हियर अबाउट दोज, तो इसलिए अधिष्ठान हो, जो सोचते जो भी कार्य करते उसके विषय में ध्यान याद में रहे कि ये धर्म के अनुसार तो है ना, धर्म इज द यूनिवर्सल अधिष्ठान ऑफ एवरीथिंग, देर आर सब अधिष्ठान हो सकते हैं, लेकिन अगर धर्म संगत हमारी बात ना हो, धर्म जो भी हम कार्य करें धर्म के विरुद्ध अगर हो, तो वी शुड नो दैट नो मैटर हाउ स्ट्रांग वी आर, कितना भी प्रयास करें, थोड़ा समय जीतते हुए दिखेंगे भी, है ना, 18 दिन युद्ध चलेंगे, ज़्यादा दिन कौरवों का की जीत हो रही थी, इंडिविजुअल डे अगर देखे महाभारत में तो, लेकिन एंड गेम में उनकी जीत नहीं हुई, है ना, दे वन मेनी बैटल्स बट दे लॉस्ट द वॉर, सो वी आर लिविंग आवर लाइफ नॉट टू विन द बैटल्स ऑफ लाइफ, टू विन द वॉर,
तो उसके लिए धर्म निष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है, धर्म संगत होना अत्यंत आवश्यक है, धर्म को लेकर कहीं। इसीलिए यदा यदा ही धर्म से है ना, जब जब भी धर्म को ग्लानी आई, मतलब पास आउट हुआ, चक्कर आ गए, गिर गए धर्म, तब तब मैं आता हूँ कहते, क्योंकि दैट इज विल नेवर हैपन। ही सेज मेरे हेतु तो धर्म पास आउट होगा, मर जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इसलिए अर्जुन, यू आर नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर यू फाइट और नॉट, ये नहीं होगा। इफ यू डू फाइट देन यू ऑल्सो गेट क्रेडिट फॉर इट। सो अधिष्ठान, कर्ता, करण, राइट, उपकरण जैसे कहते हैं, एपरेटस, अप्लायंसेस, इक्विपमेंट, जो भी कहे इसके विषय में, और फिर चेष्टा, द प्रोसेस, एंड देन द फिफ्थ, यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। ये चारों भी परफेक्ट हो, सब धर्म संगत है, परफेक्ट इक्विपमेंट है, परफेक्ट सर्जन है, यू नो द सर्जन हु इज डूइंग द लंग ट्रांसप्लांट और व्हाट हैव यू, परफेक्टेड, अमेरिका में है, सब इक्विपमेंट है, कंडीशन ठीक है, सब बराबर है, फिर भी 80% गैर मैक्सिमम 80% सक्सेस गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि 20% यू डोंट नो, देव द अननोन, नो वन नोज, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी बात की, राइट। सो जो गारंटी देने देते हैं, गारंटी देने वाले खुद ही चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो गारंटी का क्या मतलब रहा है ना। सो इसलिए फिर नाउ वी विल गो बैक टू वेयर वी वर इन द सेकंड चैप्टर, कर्मण्येव हि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में यू डू हैव कंट्रोल, यू हैव अ चॉइस वेदर ऑर नॉट यू वांट टू डू, या। सो